नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। न्यूज़ हंगामा पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त इंद्र कुमार। दोस्तों, आज का दिन यानी कि 8 जून, आप सबको था 10वीं क्लास के रिज़ल्ट का आने का इंतज़ार, जो कि आपका इंतज़ार लंबा हो गया है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें, आइए शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों आप देख सकते हो, जनसत्ता जो कि ऑनलाइन वेबसाइट है, जिन्होंने बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जगबीर सिंधु, उनसे बातचीत की है। जो 12 बजे तक रिज़ल्ट का इंतज़ार किया गया, उसके बाद में बातचीत की गई। उसके दौरान पता चला कि बोर्ड ने इसके बारे में एक नई रणनीति अपनाई है, जिसके कारण आप ये जो रिज़ल्ट है बहुत ही लेट होने वाला है। बात की जाए तो रिज़ल्ट लेट क्यों हो रहा है और कितने लंबे समय तक होगा, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों जो रिज़ल्ट है यानी कि पूरी जुलाई के लास्ट तक आएगा, क्योंकि इसी जुलाई के अंदर साइंस का जो एक पेपर रह गया था उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके आधार पर रिज़ल्ट दिया जाएगा। बिना साइंस के एग्ज़ाम के बिना रिज़ल्ट अभी आपका नहीं आएगा। फिर बात करें दोस्तों, रिज़ल्ट 4 विषयों के आधार पर घोषित करने की बात हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण था कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्लस वन के अंदर एडमिशन लेने वाले थे, उन्होंने साइंस विषय या फिर कॉमर्स विषय चुनना था। साइंस विषय के लिए साइंस की परीक्षा देनी अनिवार्य होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। इस कारण से अब दोबारा से परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद ही 10वीं का रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। और जैसे ही रिज़ल्ट यानी कि परीक्षा की डेट घोषित होती है, हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सूचित करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।